अगेन गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। और शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। अनअकैडमी स्टूडियो वॉल्स पे आपका मोस्ट वेलकम है, जहाँ पर हम एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं, आपको बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे एजुकेटर्स सारे आपके सामने हैं, नरेंद्र सर फॉर इंग्लिश, श्याम सर फॉर रीजनिंग, लोकेश सर फॉर मैथमेटिक्स, पांडव सर फॉर जीए, निमिषा मैम ऑल्सो फॉर इंग्लिश, एंड मैं जीए के लिए, आप जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं। मेरा अपना आज एक स्पेशल सेशन है, जहां पर हम फॉरेन ट्रेड, फॉरेन करेंसी, फॉरेक्स अकाउंट, इन सब के बारे में बात करेंगे। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हमारे टॉपिक का नाम क्या है? हमारे टॉपिक का नाम है 100 एमसीक्यूज ऑन मे सेट 3। तो तीसरा सेट हम करने के लिए जा रहे हैं आज 100 क्वेश्चन का। ठीक है, और आपको इसके आंसर जल्दी जल्दी करने हैं। ठीक, देखिए मेरी इन्फॉर्मेशन आपको है, अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म की बात करें तो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जो भी हैं, जिस भी सब्जेक्ट में है, मास्टर्स हैं और पढ़ा रहे हैं। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, कोई भी, आपको सारे कोर्सेज हमारे प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं। अनअकैडमी की वेबसाइट पर जाइए, वहां पर गोल के ऑप्शन पर जाइए, तो गोल के ऑप्शन पर आप देखेंगे कि वेरियस एग्जामिनेशंस की आप प्रिपरेशन घर बैठे बैठे कर सकते हैं, वो भी टॉप लेवल के एजुकेटर से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ मेंस का रिजल्ट आ चुके हैं, इंटरव्यू होने हैं। जिनको भी बैंकिंग फाइनेंस में प्रॉब्लम है, मेरा कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, आपको हाई लेवल की बैंकिंग फाइनेंस की न्यूज पूरी मिल जाएगी। ठीक, और अगर मेरा कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो आपको एम लाइव कोड अप्लाई करना पड़ेगा। मैं तो बोलूंगा कि सब लोग एक बार ये कोड से अप्लाई कर दीजिए, बिकॉज अगर आप बात करते हैं बैंकिंग, फाइनेंस, इकोनॉमी की, तो आपको पता है कि मेरे कंटेंट का लेवल क्या है, मेरी नॉलेज क्या है और मेरा डेप्थ कितना है, कैसे मैं पढ़ाता हूं आप जानते हैं। आप ज्वाइन कर लीजिए, अगर आप ज्वाइन कर चुके हैं तो इस कोड को अपने दोस्तों को बताइए, इंफॉर्मेशन दीजिए। जो भी बच्चा एसबीआई पीओ मेंस की तैयारी कर रहा है, अगर आपसे वो कंसल्टेंसी करता है, पूछता है, जरूर बताइए। वैसे अगर हमारे कोर्स की बात करें तो आप किसी भी कोर्स को हमारे इस कोर्स से ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे पास जो है ये इस तरह का सब्सक्रिप्शन मॉडल है, 6 मंथ का है, 12 मंथ का है। और अगर आपको ये ज्वाइन करना है तो जैसे मान लीजिए आपको 5000 फीस पे करनी पड़ी 1 साल के लिए, तो अगर आप इस कोड को अप्लाई करोगे तो इस कोड के थ्रू आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और यह फीस हो जाएगी 4500। ऐसे बच्चे जिनको लगता है कि लॉन्ग टर्म में उनको प्रिपरेशन करनी है और अनअकैडमी के साथ वो जुड़े रहना चाहते हैं, और कुछ ऐसे बच्चे जो ग्रेजुएशन थर्ड ईयर में है, सेकंड ईयर में है, या कोई ऐसा जो जॉब करता है जिसके पास प्रॉपर टाइम नहीं है, तो उन सबके लिए हमारे पास एक बड़ा ही अच्छा पैकेज है, बड़ा ही जेन्युइन पैकेज है, कन्वीनियंट पैकेज है, 8000 में 2 साल का हमारा मॉडल, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बस इस कोड का यूज करना है और आपकी फीस 7200 हो जाएगी 24 महीने के लिए। ठीक, तो ये दो स्ट्रक्चर हैं, तो आप एएम लाइव कोच को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने क्वेश्चन आंसर के सेशन पे। हमारा क्वेश्चन आंसर क्या होने वाला है? हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा, देख लीजिए यहां पे। फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ द आर्कटिक काउंसिल। अब यह क्वेश्चन क्यों आया? आर्कटिक काउंसिल पर आपको आगे भी क्वेश्चंस मिलेंगे, आपने देखा होगा कि हम लोग कई क्वेश्चंस को एक साथ कंबाइंड भी करते हैं और तोड़ते भी हैं, ब्रेक भी करते हैं फिलहाल, तो इसमें से कौन सा देश आर्कटिक काउंसिल का मेंबर नहीं है? अब आपको यह दिमाग लगाना है कि यार आर्कटिक काउंसिल हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो अगर आप वाकई में एक सीरियस स्टूडेंट हैं तो इस सेशन अभी आप नोट कर लेंगे, एक कॉपी पेन लेके बैठा करिए और नोट किया करिए, और जैसे ही हमारा सेशन कंप्लीट हो तुरंत आर्कटिक ओशन पर जाइए, क्यों ये क्वेश्चन पूछा सर ने, सब कुछ सर्च करिए। चलिए फिलहाल इसका आंसर नन ऑफ दी सभी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च रन अ रिसर्च स्टेशन नेम्ड हिमाद्री इन स्लावबोड इन स्लावबाद इन विच कंट्री, सेवल बार्ड इन विच कंट्री। ठीक है, तो आपको इसका आंसर देना, हिमाद्री की हम बात करें तो यूएस, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड और न्यूजीलैंड, इसका आंसर क्या होगा? वी हैव 5 ऑप्शन, आंसर दीजिएगा। चलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर नॉर्वे, ऑप्शन नंबर 2। नॉर्वे ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर गाइज। हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेयरी मेजर अमूल विल बी द प्रिंसिपल स्पॉन्सर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेट टीम फॉर द अपकमिंग आईसीसी वर्ल्ड कप इन इंग्लैंड एंड वेल्स। ये आपको पढ़ाया गया है, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ टफ क्वेश्चन नहीं है, और आपको इसका आंसर देना, क्या इसका आंसर होगा? तो देख लीजिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3, वॉट इज द आंसर गाइज, एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान टीम को स्पॉन्सरशिप दी थी अमूल ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है, अफगानिस्तान की करेंसी क्या है, कमेंट भी करते चलिए। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, हमारा क्वेश्चन नंबर 4।
Facebook has chosen which city as the center for the global rollout of WhatsApp Pay. It also plans to launch digital payment service on WhatsApp in India. It is also very important question. देख लीजिए और आंसर करिए क्या इसका आंसर होगा. अफगानी ठीक है करेंसी. काबुल अफगानी ठीक है काबुल अफगानी ठीक है. इसका आंसर लंदन. ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर. लंदन इज राइट आंसर ठीक है. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर फाइव. द WTO मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज वॉज होस्टेड बाई इंडिया ऑन 13-14 May 2019 इन विच सिटी रिसेंटली. तो आपसे पूछा गया है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो है वो दिल्ली में हुई 13-14 May कहां पर हुई. न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर. और इसका आंसर आपको देना है क्वेश्चन नंबर फाइव की हम बात कर रहे हैं. और इसका आंसर क्या होगा. वॉट इज द आंसर. एंड राइट आंसर इज न्यू दिल्ली. ऑप्शन नंबर वन न्यू दिल्ली इज राइट आंसर. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. द पब्लिक सेक्टर इलाहाबाद बैंक इज लुकिंग टू रेज क्लोज टू रुपीज 1200 करोड़ थ्रू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट क्यूआईपी इन 2019-20. द हेडक्वार्टर ऑफ इलाहाबाद बैंक इज लोकेटेड क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट. इसका मतलब क्या होता है. जस्ट लाइक कोई कंपनी अपने शेयर बेचती है जस्ट लाइक ठीक है. तो आंसर दिए 1200 करोड़ रुपए की बात यहां पर हो रही है. आंसर क्या होगा. तो आंसर इज कोलकाता. मैं आपको ऑलरेडी कोलकाता की ट्रिक पढ़ा चुका हूं कि मेरा कॉलेज था यूनाइटेड कॉलेज. यूनाइटेड कॉलेज मतलब UIM था, यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो कि इलाहाबाद में था, मैंने पढ़ाई की थी. तो अब यूनाइटेड इलाहाबाद अपनी जो ऑफिस है, अपना जो ब्रांच है, वो कोलकाता में ओपन कर रहा है. तो यूनाइटेड से जितने बैंक है लाइक यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया एंड यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, जिसे आप यूको बैंक बोलते हो, और इलाहाबाद बैंक, सब कहां पे, कोलकाता में. नेक्स्ट क्वेश्चन. The Indian Army is commemorating 2019 as the which year and plans to reach out the next of kin of battle casualties, ex-servicemen and serving soldiers. तो इंडियन आर्मी 2019 को किस रूप में मनाने वाली है और ऐसे पर्सन जो कि युद्ध में घायल हैं, इंजर्ड हैं या फिर एक्स सर्विसमैन हैं, उन तक पहुंचेगी इंडियन आर्मी उनको हेल्प करने के लिए. चलिए आंसर क्या होगा इसका देखिए. क्वेश्चन नंबर सेवन की हम बात कर रहे हैं. एंड राइट आंसर इज ईयर ऑफ द नेक्स्ट ऑफ किन. ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर. बिल्कुल सही, बिल्कुल बढ़िया. अच्छा अच्छा आगे बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या देखिए. द 131st बर्थ एनिवर्सरी की हम बात कर रहे हैं ऑफ ल्यूसी विल्स वॉज ऑब्जर्व ऑन 10th में. शी वॉज द पाइनियर इन टैकलिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. आंसर दीजिए क्या इसका आंसर होगा. हम किसकी बात कर रहे हैं. हम क्वेश्चन नंबर एट की बात कर रहे हैं. और इसका आंसर क्या होगा. व्हाट इज द आंसर गाइस. ठीक है. एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फाइव. ओके प्रीनेटल एनीमिया. ऑप्शन नंबर फाइव इज राइट आंसर. ऑप्शन नंबर फाइव इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर नाइन आपके सामने. अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ड्यूरिंग द इंटायर 18-19 फिस्कल ईयर इंडस्ट्रियल आउटपुट विटनेस अ ग्रोथ ऑफ. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है आपसे क्योंकि पूरे साल का डेटा पूछा गया. ठीक. और इसका आंसर क्या होगा. इसका आंसर क्या होगा. इसका आंसर होगा 3.6%. ऑप्शन नंबर टू. 3.6% ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर गाइज. हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर. तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द सेकेंड कंट्री टू डिक्लेयर क्लाइमेट इमरजेंसी आफ्टर ब्रिटेन. ब्रिटेन के बाद क्लाइमेट इमरजेंसी घोषित करने वाला दूसरा देश कौन सा बना. फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, आयरलैंड और नॉर्वे. सिंपल क्वेश्चन है. एंड द आंसर इज आयरलैंड. ऑप्शन नंबर फोर. आयरलैंड ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर. चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं. द पुलिस इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम has inducted women commandos in the district reserve guard its frontline anti naxal force. अच्छा क्वेश्चन है. क्या इसका आंसर होगा देख लीजिए यहां पर. एंड राइट आंसर इज छत्तीसगढ़. ऑप्शन नंबर फोर. छत्तीसगढ़ इज राइट आंसर. ठीक है गाइस हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. इंडिया वॉज री इलेक्टेड एज एन ऑब्जर्वर टू आर्कटिक काउंसिल एट द 11th Arctic Council ministerial meeting held in Finland recently. India's present ambassador to Finland. अच्छा क्वेश्चन. एक ही क्वेश्चन में काफी इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई है और एक इंफॉर्मेशन आपसे पूछी गई है. आंसर क्या होगा. तो आर्कटिक काउंसिल वाला क्वेश्चन क्यों आया था वो आपने देख लिया. अब क्वेश्चन को हमने पूरा कंप्लीट कर दिया. आंसर क्या होगा.
आंसर क्या होगा? एंड द राइट आंसर इज वानीरा, ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर. ठीक है, चलिए, अच्छा है, बढ़िया है, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, देखिए, बैद्यनाथ मिश्रा पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज अ वेल नोन, ये क्या थे, ये आपसे पूछा गया है. बैद्यनाथ मिश्रा जी की बात हो रही है, और ये क्या थे, ये एक इकोनॉमिस्ट थे, ऑप्शन नंबर फोर, काफी रिनाउंड इकोनॉमिस्ट थे, प्रसिद्ध इकोनॉमिक्स थे. चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें. देखिए, द रेटिंग एजेंसी इकरा डाउनग्रेडेड द लॉन्ग टर्म रेटिंग ऑफ विच प्राइवेट सेक्टर बैंक रिसेंटली विथ नेगेटिव आउटलुक. द बैंक रिपोर्टेड इट फर्स्ट एवर क्वार्टरली लॉस ऑफ रुपीज 1506 करोड़ ड्यूरिंग द जनवरी मार्च पीरियड. क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात कर रहे हैं, और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, एंड राइट आंसर इज यस बैंक, ऑप्शन नंबर 5, यस बैंक इज राइट आंसर. ओके, तो आगे बढ़ेंगे गाइस और बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की. क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, द पार्लियामेंट इन विच कंट्री रिसेंटली पास एन एंटी फेक न्यूज बिल ग्रांटिंग ब्रॉड पावर्स टू द गवर्नमेंट. देखिए, ये भी अच्छा है, इंटरनेशनल अफेयर्स का न्यूज है, बढ़िया न्यूज है. चलिए, इसका आंसर क्या होगा, सिंगापुर, ऑप्शन नंबर 2, सिंगापुर इज राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेसर एनआर माधवा मेनन पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज कंसीडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न. ठीक है, ऑबिट्रीज पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात कर रहे हैं. अच्छा, जरा मुझे बताइए कि आज हमारा मे कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, हमारा मे कंप्लीट हो जाएगा, जून जुलाई हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, मंडे से हमें नया सेशन करना होगा, कुछ नया करना होगा. तो मंडे को, मतलब कि आप लोग की और क्या डिमांड है, मतलब करंट अफेयर्स के बाद तुरंत हमारा शो होता है, आसान तो नहीं होता कि 2 घंटे कॉन्टिन्यूअस पढ़ना, बट अभी तो यही शेड्यूल हमारा है. तो 10 to 11 आपके एग्जाम को देखते हुए हम कौन सी सीरीज चलाएं, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं. तो एक बार अपना फीडबैक आप लोग थोड़ा सा रुक के दे दीजिए, अपना फीडबैक दे दीजिए, जहां मेजोरिटी होगी वो मैं काम करूंगा. हाँ ठीक है, इसका आंसर हम देख लेंगे, दिखा देते हैं. इसका आंसर लीगल एजुकेशन है, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, उसका मुझे आंसर दीजिए. अगस्त सर प्लीज, अगस्त तो हो जाएगा ना, अगस्त तो बेटा एक ही बार मिल जाएगा. यूडीसी के लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, आपका सेम वही करंट अफेयर्स वैसे ही आना है आपका. बैंकिंग बेसिक टू एक्स प्रपेश, बैंकिंग क्लास ऑलरेडी मैं ले रहा हूं स्पेशल क्लास में अनअकैडमी प्लस पे, आप वहां पर आइए ना, फ्री ऑफ कॉस्ट है बेटा वो. इकोनॉमिक टर्म्स, बैंकिंग अवेयरनेस, अप्रैल करवा दो निकली. अच्छा, अप्रैल करवा दे क्या, एक बार अप्रैल खत्म हो जाएगा तो मे भी खत्म है और फिर जून भी खत्म है, अप्रैल कंप्लीट करा दे क्या. स्टैटिक भी क्लास होगी, स्टैटिक भी होगी. सीनू अगस्त बेटा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ना, तो अगस्त का डेटा एक बार पूरा हो जाए. अगस्त तो होगा ही होगा बेटा, अगस्त होगा, स्टैटिक होगा. कुंज बैंकिंग में, ठीक है चलो, मैं समझ गया मुझे क्या करना है. समझ गया प्रपेश, वही सेम 10 to 11, और जो आप पूछ रहे हो टाइम उसका, वो 3 o'clock पर होता है. आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आपको लिंक मिल जाती है, लिंक मैं दे देता हूं उस पर. ठीक है, हाँ बैंकिंग अवेयरनेस भी करेंगे, बैंकिंग अवेयरनेस. ठीक है, एक बार एक काम करते हैं, पहले अप्रैल कंप्लीट कर लेते हैं. अप्रैल कंप्लीट होने के बाद फिर अप्रैल मेरे ख्याल से 3 दिन लगेंगे कंप्लीट होने में, देन बैंकिंग, देन एस्थेटिक, सब कुछ कर लेंगे. ठीक है, चलिए राजन आइए अनअकैडमी प्लस पर आइए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अगर आप होंगे तो लिंक आपको मिलती रहेगी. ठीक है, हाँ अप्रैल भी करवाएंगे, मार्च भी करवाएंगे, सब करवाएंगे बेटा. ठीक है, ठीक है, हाँ फाइनेंशियल अवेयरनेस भी करवा देंगे. ठीक है, ठीक है, सब करवा देंगे. चलो वापस आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग टेलीकॉम फर्म ऑपरेटिंग इन इंडिया एंड ह्यूज एंड हक्स कम्युनिकेशन इंडिया हैव अनाउंस एन एग्रीमेंट टू कंबाइन देयर रीसेट ऑपरेशंस. देख लीजिए, तो किस टेलीकॉम फर्म की बात यहां पर हो रही है जिसने कि ह्यूज कम्युनिकेशन के साथ एग्रीमेंट किया है अपने वीसेट ऑपरेशन को कंबाइन करने के लिए, इसका आंसर क्या होगा. हाँ आरआरबी पीओ के लिए जी. हनी अभी मैं बेटा ग्रुप पे भेजूंगा, देख लीजिएगा, ग्रुप पे भेजूंगा, देख लीजिएगा. ठीक है, क्लास हो गई है. चलिए इसका आंसर क्या होगा, भारतीय एयरटेल, ऑप्शन नंबर 5, भारतीय एयरटेल, ऑप्शन नंबर 5 इज राइट आंसर. ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकिता रैना is associated with which of the following games? अंगिता रैना, मेरे ख्याल से इनका नाम कई बार आप सुने होंगे और सारे बच्चे इनका आंसर सही देंगे. इस बार के अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ये सब अवार्ड के प्लेयर्स की लिस्ट बनाइए.
कौन सा प्लेयर किस स्पोर्ट से बिलोंग करता है, आप कोई भी एग्जाम देने चाहिए, रेलवे का, एसएससी का, बैंकिंग का, किसी का भी, ईपीएफ किसी का भी होगा, आपको जरूर क्वेश्चन एक मिलेगा जरूर, ठीक है। एंड राइट आंसर इज टेनिस, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फर्म रिसेंटली एक्वायर्ड ब्रिटिश टॉय रिटेलर हैमलीज, ठीक है। तो इसका आंसर क्या, वो देख लीजिए, हैमलीज की बात हम कर रहे हैं, एक्वायर करने वाली बात हम कर रहे हैं, आंसर क्या होगा। And the right answer is Reliance. Option number 2 is right answer. Next question. The International Union for the Protection of New Variety of Plant or UPOV is an intergovernmental organization with headquarters in Delhi. International Union for the Protection of the Varieties of Plant, iska headquarter aapse pucha gaya, answer kya hoga? Answer kya hoga iska? And the right answer is Geneva, option number 1. Geneva is right answer, option number 1 is right answer. Next question. Question number 21. Which country has developed the self-protect high energy laser demonstrator shield capable of shooting down multiple missiles simultaneously? Shield Hydra, aapne dekha hoga, aapne suna kahan pe hoga? Aap agar dekhte honge Marvel ki movies to shield. To kisne ye shield banaya? आंसर क्या होगा यूएस, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। नेम द इंडियन ओरिजिन जर्नलिस्ट हु हैज बीन कन्फर्ड विथ 2019 वीके कृष्णा मेनन अवार्ड इन द यूनाइटेड किंगडम। आंसर, आंसर दीजिए, क्या इसका आंसर होगा, इस आंसर क्या होगा। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, जीडी रॉबर्ट गोवेंडे, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड रेड क्रॉस डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 8 मई, ऑप्शन नंबर 1। तो 8 मई हमारा सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे गाइज और बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्वेश्चन, डेरेक सिपी पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज अ फॉर्मर प्लेयर ऑफ विच स्पोर्ट्स, हॉकी, स्क्वैश, बैडमिंटन, टेनिस, बिलियर्ड्स। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 5, बिलियर्ड्स, ऑप्शन नंबर 5 इज राइट आंसर, बिलियर्ड्स इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, इंडियाज जगजीत पवाडिया वॉज री इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल नार्कोटिक्स कंट्रोल बोर्ड फॉर अनदर टर्म रिसेंटली। द सेक्रेटरी द INCB इज लोकेटेड इन, द सेक्रेटरीएट मतलब हेडक्वार्टर कहां पर इसका, यह आपसे पूछा जा रहा है। रोम, मैड्रिड, ओस्लो, वेना, हेलसिंकी, व्हाट इज द आंसर। एंड राइट आंसर इज वेना, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, The Central Board of Indirect Taxes and Custom organized a meeting of the regional head of Custom Administration of Asia Pacific region of the World Custom Organization recently in which city? Mumbai, Chennai, Bangalore, New Delhi, Kochi. We have five option. Answer please. And the right answer is Kochi, option number 5. Kochi is right answer. Next question. Hassan Rouhani recently announced that his country will partially withdraw from some of the commitments made under the 2015 international nuclear deal. He is the present president of, to dekh lijiye, ye yaad rakhiyega, 2015 deal, nuclear deal kiske sath hui thi inki, US ke sath, aur ye answer kya hoga, iska answer Iran hoga, hum sab jante hain, option number 1 is right answer. Chaliye aage badhenge apne next question pe, hamara next question kya hoga dekhiye, Vice President Venkaiah Naidu embarked on a 4-day official visit to Vietnam recently. The capital city of Vietnam is Hanoi and the currency is. So, Vietnam ki currency, ek static type ka question humare saamne aa chuka hai. Hum jante hain iski currency kya hai. Dong hai, option number 3 is right answer. Guys, aage badhte huye, question number 29th. The 158th birth anniversary of who among the following was observed recently on 9th May? He is also known as Gurudev. 158वीं birth anniversary की बात हो रही है यहां पर, क्या इसका answer होगा, 9th May को था। And the right answer is Rabindranath Tagore, option number 4 is right answer, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, next question.
The US President Donald Trump recently awarded who among the following the Presidential Medal of Freedom, the nation's highest civilian honor? तो हमारे पास ये है, अच्छा क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा? एंड राइट आंसर इज टाइगर वुड्स, ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर. हाँ, टाइगर वुड्स इज राइट आंसर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लोबल फर्म विल इन्वेस्ट $1 बिलियन इन इंडिया ऑपरेशन ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर? ये मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूं, कई बार इसका रिविजन हम कर चुके हैं. इसका आंसर क्या होगा देख लीजिए. ठीक, एंड राइट आंसर शुड बी मास्टर कार्ड. क्या मास्टर कार्ड सही आंसर है? मास्टर कार्ड सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द वर्ल्ड अस्थमा डे ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डेट? वर्ल्ड अस्थमा डे की बात कर रहे हैं, डेज इवेंट हमें याद होने चाहिए. और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 7th में, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. The Gujarat state government recently amended the law to allow shops across state to function 24 hours. The present governor of Gujarat is, गुजरात के अभी गवर्नर कौन बने हैं ये आपसे पूछा गया. मृदुला सिन्हा है, विजय रूपानी, आनंदीबेन पटेल, ओम प्रकाश कोहली या सी विद्यासागर राव? इसका आंसर आप लोग दीजिए जरा. ओम प्रकाश कोहली क्या गुजरात के गवर्नर है? आंसर आपको देना है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 34. प्रपेश बता रहे हैं कि 7th May को एथलेटिक्स डे भी होता है. गुड, विजय रूपानी तो प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर है ना जी, विक्रम अधिकारी. जी चेंज इसलिए मैंने कहा ना. हाँ, तो ये सब ध्यान देना. नेक्स्ट क्वेश्चन. The Desert Storm 2019 is the term used for which of the following is the name of? आपको बताया कि ये हमारे देश में जैसलमेर से शुरू होती है रेस, जो कि इंटर कंट्री चलती है, मतलब कंट्री टू कंट्री चलती है. आंसर क्या होगा? आंसर इज क्रॉस कंट्री रैली, ऑप्शन नंबर 2. ये भी आपको पता ही है. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन. The High Court of Kerala recently declared that the introduction of defined contributory pension scheme oblique new pension scheme NPS in which bank has no legal effect? Syndicate Bank, Bank of Baroda, State Bank of India, Corporation Bank or Bank of India? हाँ, चेंज हो गया बेटा तुलू, ये तो मे का है ना, हम लोग पढ़ना, इसलिए मैंने बोला ना कि बताओ. एंड राइट आंसर इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर 3. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द ईसीबी टच अ हिस्टोरिक हाई इन 2089 एज द इंडियन एंटिटी बोरोड एज मच एज $41 बिलियन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर. हियर द टर्म ईसीबी, मतलब क्वेश्चन में यह बोला जा रहा है कि ईसीबी से इंडियन एंटिटी ने, मतलब कंपनीज ने, बैंक्स ने $41 बिलियन का लोन लिया. तो यहां पर ईसीबी का मतलब क्या होता है ये आपसे पूछा गया. तो ईसीबी का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु अमंग द फॉलोइंग हैज मेड इट टू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर लॉन्गेस्ट डांसिंग मैराथन बाई एन इंडिविजुअल बाई डांसिंग फ्रॉम 23rd to 28th November 2018? आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये नेपाल की है. और इनका नाम क्या है? इनका नाम क्या है? बंदना, नेपाल, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द G7 एनवायरमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग टू डिस्कस क्लाइमेट क्राइसिस वॉज हेल्ड रिसेंटली इन मेड्स सिटी इन विच कंट्री? G7 की बात कर रहे हैं तो ये तो क्लियर होगा आपको, इसका आंसर क्या होगा? G7 की मीटिंग फ्रांस में हो रही है, तो आंसर क्या है? फ्रांस से, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर. आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. द इब्सा शेरपा मीटिंग वॉज हेल्ड इन कोचीन फ्रॉम May 3 to 5. इब्सा इज अ ग्रुप ऑफ इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो बी से क्या हो जाएगा? बी से ब्राजील हो जाएगा और ऐसे साउथ अफ्रीका हो जाएगा. ठीक है, इप्सा, तो इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका, ऑप्शन नंबर 5 इज राइट आंसर, इप्सा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. ड्रैगन मिहालिवोइक हैज बीन अपॉइंटेड द हेड कोच ऑफ इंडियन मेन्स वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, फुटबॉल और पोलो. तो यहां पर 5 ऑप्शन आपके पास है और आंसर क्या होगा? वॉलीबॉल टीम. नाम आपको लर्न कर लेना है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. एन एरोस्पेस स्टार्टअप इन विच कंट्री रिसेंटली सक्सेसफुली
लॉन्च अ स्मॉल रॉकेट मोमो 3, मेकिंग इट द कंट्रीज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड मॉडल टू रीच आउटर स्पेस. अब साउथ कोरिया, फिलीपींस, जापान, वियतनाम और नॉर्थ कोरिया. तो अभी सैटेलाइट में एक यूएस हो गया, एक चाइना हो गया और एक जापान हो गया, जिनके पास अपनी अपनी प्राइवेट एजेंसीज हैं. तो अब इसका आंसर चाइना जापान होगा. चाइना है नहीं ऑप्शन में. जापान इज राइट आंसर. ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस द रिलीज ऑफ वॉट एडिशनल अमाउंट टू द साइक्लोन हिट ओडिशा. इट इज एन एडिशन टू द 341 करोड़ गिवन टू स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स इन एडवांस. आंसर, तो यहां पर ओडिशा में फैनी तूफान के बाद की बात हो रही है. इसका आंसर क्या होगा? एंड राइट आंसर इज रुपीज 1000 करोड़ रुपीज, 1000 करोड़ रुपया. ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर. जितेश, आप हमारा जितेश आप चाहे तो मतलब जाकर अनअकैडमी प्लस के साइट पर जाएं, वहां पर बैंकिंग ऑप्शन क्लिक करें तो वहां पर अपकमिंग लेक्चर्स आपको दिखेंगे. आपको इनरोलमेंट करना पड़ता है, मतलब रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है. आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, आप वहां पर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक, नहीं तो अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हैं तो वहां पर भी लिंक मैं देता हूं, वहां पर आप वहां से ले सकते हैं. ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन नहीं तो जीए बाई अभिजीत है मेरा ग्रुप का नाम है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. द रिसेंटली रिलीज बुक गेम चेंजर, तो सिंपल सा क्वेश्चन है. इसका आंसर क्या होगा? शाहिद अफरीदी, ऑप्शन नंबर 2. टाइम खराब नहीं करेंगे यहां पर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द राउटर्स जर्नलिस्ट वालोन, ये नाम याद कर लीजिएगा, वालोन एंड क्या सो सर्विंग 7 ईयर जेल टर्म, वेयर पार्डन बाई प्रेसिडेंट विन मिंथ इन विच कंट्री रिसेंटली. आपको पता है ना, रोहिंग्या क्राइसिस पर इन्होंने रिपोर्ट निकाली थी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, तो गवर्नमेंट ने इनको जेल में 7 साल के लिए डाल दिया था, बट प्रेशर पड़ने की वजह से फिर इनको रिहा कर दिया गया. तो ये कौन सा देश है? तो म्यांमार है, ऑप्शन नंबर 5. लेकिन मैं फिर से आपसे बोलूंगा कि ये आप नाम याद कर लीजिएगा इन दोनों का. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. फील्ड केसेस अगेंस्ट पोटैटो फार्मर्स इन गुजरात, गुजरात फॉर एलिजली ग्रोइंग अ वैरायटी ऑफ द ट्यूबर फॉर विच द कंपनी क्लेम्स प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन राइट. इट वॉज विदड्रॉन द केसेस नाउ. विच कंपनी फाइल्ड केस अगेंस्ट पोटैटो फार्मर, किस कंपनी ने यह किया गुजरात में, यह आपसे पूछा जा रहा है. कोकोला, पेप्सिको, ITC, कारगिल एंड पार्ले फूड्स. तो देखिए इसका आंसर होगा. And the right answer is PepsiCo, option number 2. PepsiCo is right answer. Okay, let's move to question number 46. According to the Reserve Bank of India, housing loans given by RRB, housing loans given by RRB and small finance bank to individual up to 35 lakhs in metros and 25 lakh in other centers. ठीक है, ये हमको बता है. Here RRB means regional rural bank and SF. तो यार clear है ना हमको? तो clear है हमको इसका answer क्या होगा? Small finance bank. 35 लाख, 25 लाख. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. प्रेसिडेंट इब्राहिम बाउबकर केता नेम्ड अ न्यू गवर्नमेंट अंडर प्राइम मिनिस्टर बाउबो कीस इन विच कंट्री रिसेंटली. तो आपसे पूछा गया कि ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं और ये राष्ट्रपति हैं कौन से देश के, तो इसका आंसर दीजिए. ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं, इनका नाम एक कौन सा देश होगा? ये देश होगा माली. ऑप्शन नंबर 5 इज राइट आंसर. माली इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. 7.2 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक रॉक्ड पपुआ न्यू गिनी रिसेंटली. द कैपिटल ऑफ पपुआ न्यू गिनी इज. तो आंसर आपको बताना है, इसका आंसर क्या होगा? एंड राइट आंसर इज पोर्ट मोरेसबी. ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द नोडल इंडस्ट्री बॉडी फॉर द म्यूचुअल फंड कंपनीज इन इंडिया इज AMFI, विच इज स्टैंड फॉर. तो AMFI का फुल फॉर्म आपको बताना है, जो म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करती है हमारे देश में. ठीक, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने कि म्यूचुअल फंड कंपनी किसके अंडर में काम करती है, तो सेबी आंसर होगा. ये उनके रेगुलेशन के लिए AMFI, इसका आंसर क्या होगा? And the answer is Association of Mutual Fund in India. Association of Mutual Fund in India. Option number 3 is right answer. Next question. Indian boxer finished with a rich haul of 6 medal, 2 gold at the 36th Felix Stam International Boxing Tournament in Warsaw, the capital city of which country? So Warsaw kis desh ki capital hai? Ye aapse pucha ja raha. And the right answer is Poland, option number 5. Poland is right answer. Poland hamara sahi answer ho jayega. Theek hai? Next question.
Saurabh Ghoshal and Jusanna Chinnappa won their respective Asian individual championship title in Kuala Lumpur recently. Both of them are associated with. तो सौरभ घोषाल की बात करें, जुशन्ना चिन्नप्पा की बात करें, किस खेल से बिलोंग करती हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है. इसका आंसर सिंपल है एंड राइट आंसर इज स्क्वैश, ऑप्शन नंबर वन. स्क्वैश इज राइट आंसर, स्क्वैश हमारा सही आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्थ ऑफ इंडियन नेवी स्टेल्थ स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन ऑफ प्रोजेक्ट 75 वॉज लॉन्च रिसेंटली. द सबमरीन हैज बीन नेम्ड, ठीक है, तो प्रोजेक्ट 75 याद रखिएगा. इसका आंसर क्या होगा एंड राइट आंसर इज वेला, ऑप्शन नंबर फोर. वेला इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ई वीजाज इशूड बाय द ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन अंडर द होम मिनिस्ट्री हैज राइजन इन 2018 टू कितने लाख, ये आपसे पूछा जा रहा है एंड राइट आंसर इज 25.15 लाख. 25.15 लाख, ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफी बीम एवन्यूएस सैक्ड इट ऑडिटर्स फॉर शेयरिंग अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रिसेंटली. द फर्म वर्क्स इन द फील्ड ऑफ ई कॉमर्स, टेक्सटाइल, एजुकेशन, प्रिंट और एग्रीकल्चर. ठीक, इसका आंसर क्या होगा, ई कॉमर्स, ऑप्शन नंबर वन. ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन नेवी डीकमिशन्ड आईएनएस रंजीत रिसेंटली कमीशन्ड इन 1993. आईएनएस रंजीत वॉज हेलीकॉप्टर करियर, पेट्रोल वेसल, ट्रेनिंग शिप, एंटी सबमरीन कोरवेट और मिसाइल डिस्ट्रॉयर. क्वेश्चन नंबर 55 and the right answer is missile destroyer, option number 5. Option number 5 is right answer. Next question is, Brunei has announced that death by stoning for gay sex and adultery will not be enforced in the country. The capital of Brunei is, answer kya hoga iska, and the right answer is theek hai, the capital of Brunei is Bandar Seri Begawan. Option number 3 is right answer. Next question, the headquarter of the 20 nation North Atlantic Treaty Organization Military Alliance, Militarians, to NATO ka headquarter kahan pe hai? NATO ka headquarter Belgium mein hai aur Belgium ki capital mein matlab Brussels mein hona chahiye. Option number 4 is right answer. Next question, the 15th Finance Commission was set up to give recommendation for 5 year commencing on 1 April 20. The present head of the commission is, 15th Finance Commission ki baat ho rahi hai, 2020 se 2025 ka tenure hoga aur iska answer kya hoga, iska answer NK Singh hai, Nandkishore Singh. Option number 2 is right answer. Next question, the Defense Ministry has approved the procurement of 10 Kamov KA-31 airborne early warning and control helicopters for the Indian Navy from. तो ये जो helicopter की बात हो रही है, 10 helicopter, नाम क्या है, Kamov KA-31 airborne early warning and control helicopters. ये किस देश से इंडिया परचेस करेगा, नाम से मालूम चला रशिया होगा. ऑप्शन नंबर 5 इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, जोसिया वॉरेक इज द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री. द कंट्री होस्टेड द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स एट एशियन डेवलपमेंट बैंक 52nd एनुअल मीटिंग रिसेंटली. एंड राइट आंसर इज फिजी, ऑप्शन नंबर 1. फिजी इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेटरन एक्टर पीटर माइहे पास्ड अवे रिसेंटली. He had played the character of Chewbacca, the famous movie franchise. Answer क्या होगा? Peter Mayhew की बात कर रहे हैं, Mayhew की बात कर रहे हैं, इसका answer क्या होगा? Star Wars, option number 3. वो जो नहीं Star Wars में एक भालू की तरह एक जानवर होता है. Next question, Xavi Hernandez announced his retirement recently. He is associated with which of the following games? Basketball, baseball, volleyball, football and golf. And the right answer is football, option number 4. Next question, Todd D. Walters has been sworn in as the top military officer of the 29 nation NATO. He is the Air Force General of which country? Belgium, US, France, German or UK?
और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा यूएस, ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, जेसिंडा अर्डन इज द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री. शी गॉट एंगेज विद द पार्टनर क्लार्क गेफोर्ड रिसेंटली. क्वेश्चन नंबर 64 एंड राइट आंसर इज न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक ऑफ बेयरफुट कोच हैज बीन ऑथर्ड बाय होम अमंग द फॉलोइंग. चलिए आंसर क्या होगा इसका? एंड राइट आंसर इज पैडी ऑप्टन होना चाहिए. जी हां, पैडी ऑप्टन ऑप्शन नंबर फाइव इज राइट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैज बीन इंक्लूड इन द एडवाइजरी काउंसिल ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन एज द मेंबर द प्रेजेंट सीईए इज. तो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है. तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हमारे हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, के सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग फॉर द विजन फंड द $100 billion बेहमोथ इज इन वर्क्स. द फंड हैज बीन क्रिएटेड बाय. तो विजन फंड की जब भी बात होगी तो मैंने बोला है सॉफ्ट बैंक होगा. क्या सॉफ्ट बैंक सही आंसर है? जी हां, सॉफ्ट बैंक इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट इज अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ प्रेस फ्रीडम. इट हैज इट्स हेडक्वार्टर लोकेटेड इन. तो इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर कहां पे है ये आपसे पूछा जा रहा है. ठीक, और इसका आंसर क्या होना चाहिए? इंटरनेशनल प्रेस की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर वियना में होगा. वियना, वियना सही आंसर है, ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स. ही अंडरवेंट एन एल्बो सर्जरी रिसेंटली. नीरज चोपड़ा जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल दिया था जैवलिन थ्रो में ना, तो जैवलिन थ्रो ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज प्लानिंग टू सेंड अ प्रोब टू स्टडी द सन इन 20. द प्रोब, आपको पता है कि हम सन को किससे सर्च, किससे रिसर्च करेंगे. कई बार करंट अफेयर्स में भी हमने इसे रिवाइज करवाया. आंसर इज आदित्य L1, ऑप्शन नंबर फाइव. नेक्स्ट क्वेश्चन, WhatsApp has said that it will launch payment service after complying with RBI norms. WhatsApp is owned by Facebook. Option number 3. Next question. The RBI has imposed penalty aggregating ₹6.10 crore on 5 prepaid payment instrument issues. Which of the following not among them? तो 6 कंपनी पर ये पेनाल्टी लगी, आपसे पूछा 5 कंपनी पर, इसमें से कौन सा नहीं है उसमें. ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सारे हैं, मतलब कि वोडाफोन भी है, वाई कैश भी है, फोन पे भी है, माई मोबाइल पेमेंट भी है, एक और होगा उसका नाम देख लीजिएगा आप लोग. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ग्रुप ऑफ 25 इन्फ्लुएंशियल यूएस लॉ मेकर्स रिसेंटली अग द यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव नॉट टू टर्मिनेट द जीएसपी प्रोग्राम विथ इंडिया. हियर द टर्म जीएसपी. जीएसपी आपको पता है कि यूएस ने जीएसपी से इंडिया को बाहर कर दिया था, तो वहां के ग्रुप ने बोला है कि मत हटाइए इसे. तो जीएसपी का फुल फॉर्म से पूछा गया. और आंसर क्या होगा? जर्नलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस. जर्नलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, ऑप्शन नंबर टू. नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाहन डेटाबेस इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री या पीएमओ. 5 ऑप्शन हमारे पास है. एंड राइट आंसर इज रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री, ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर. ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर. ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन, इंडिया विल बी इनवाइटेड टू द G7 समिट. अभी ये हो रहा है, पता ही है आपको, एट बियारिट्स. द प्रेजेंट चेयर एंड होस्ट ऑफ G7 दिस ईयर विच हैज इनवाइटेड इंडिया इज. तो अभी हमारे मोदी जी गए ना फ्रांस, फ्रांस बैरिन है ना. आंसर इज फ्रांस, ऑप्शन नंबर फाइव. नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्लोन फानी द वर्स्ट साइक्लोन इन डिकेड्स बैटर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट. तो ये इसका आंसर बताइए आपको, उड़ीसा, ऑप्शन नंबर थ्री. नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following firm purchased the iconic RK studio recently? राज कपूर स्टूडियो किसने परचेस किया ये आपसे पूछा गया है. गोदरेज ने, ओमैक्स ने, टाटा होम्स ने, डीएलएफ ने या सुपरटेक ने. 5 ऑप्शन हमारे पास है. एंड राइट आंसर इज गोदरेज प्रॉपर्टीज, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन,
India's second lunar mission Chandrayaan 2 will be launched in July. It will have three modules in it, an orbiter, a lander named Vikram and a rover named S. So, rover ka naam kya? Ye aapse pucha gaya hai. Aur mere khayal se sare bachche iska sahi answer denge. Iska answer hai Pragyan, option number 3, Vikram Pragyan, yaad kar lijiyega. Next question. The World Press Freedom Day is observed on which date? Ye aapse pucha gaya hai. World Press Freedom Day. I think ye sare bachche iska sahi answer aaram se de lenge. Iska answer kya hoga? 3 May, option number 1. 3 May is right answer. 3 May is right answer. Next question. Sheikh bin Zayed Al Nahyan recently ordered the release of 3000 prisoners ahead of the holy month of Ramzan. He is the present president of to yaar simple sa question hai. Iska answer kya hoga? And the right answer is UAE, option number 5 is right answer. UAE is right answer. Next question. Bajrang Punia won gold medal in the final of men's 65 kg freestyle in the Ali Aliyev wrestling tournament held recently in Caspex. Kahan par? Ye kahan par hai? Ye aapse pucha ja raha hai. To Ali Aliyev wrestling tournament kahan par hua tha? Ye hua tha Russia mein. Option number 4 is right answer. Next question. The OFS is a simpler method of share sale through the exchange platform for listed companies. The term OFS means kya hai? To yaar ye clear hai, offer for sale hota hai. Option number 2 is right answer. Capital market ka term hai. Theek hai? Next question. The UN Sanction Committee on the Islamic State and Al-Qaeda recently announced the designation of who among the following as a global terrorist. So, ye bhi aapko pata hai kya iska answer hoga. India ki bahut badi jeet hui thi yahan par. And the right answer is Masood Azhar, option number 3. Next question. Chandrashekhar Ghosh is the present CEO of which of the following private sector bank? Chandrashekhar Ghosh ki baat ho rahi hai, to mere khayal se agar aap banking ke student hai to aapko pata hoga iska answer. And the right answer is Bandhan Bank, option number 2, Kolkata. Next question. The Financial Action Task Force is scrutinizing Pakistan's claim of acting against terror group operating from the its soil. The FATF is based in, so Financial Action Task Force ka headquarter kahan pe hai? Ye aapse pucha gaya. And the right answer is Paris, option number 4. Paris is the right answer. Next question. Which football team won the Spanish La Liga title 2019 recently? Question number 86. And the right answer is Barcelona FC, option number 1. Next question. Beirut has set a new Guinness World Record for the number of national flag raised in a city for 24 hours. Beirut is the capital city of. So Beirut kis desh ki capital hai, ye aapse pucha gaya. And the right answer is Lebanon, option number 5. Next question. Which person took over as Vice Chief of the Indian Air Force recently? Vice Chief of Indian Air Force. And the right answer is Rakesh Kumar Singh Bhadauri, option number 1. Good. Next question. Which country finished on top of the medals standing at the International Shooting Sports Federation World Cup held in Beijing recently? So, ye Beijing wali baat ho rahi hai, Germany wali baat nahi ho rahi hai. And the answer is India, option number 4. India hi hamesha top pe rehta hai. Next question. Which country has emerged as the third largest foreign direct investor in India during 2017-18? Third largest ki baat puchhi aa rahi hai. Aur iska answer kya hoga? And the right answer is Netherlands, option number 3. Netherlands is right answer. Next question. The LIC Housing Finance has launched Udyam Skilling Center recently in. To Udyam kahan pe launch hua ye aapse pucha ja raha hai. And the right answer is Bangalore, option number 2. Next question. Which bank is in a first has started linking its loan and deposit rate for large account to the Reserve Bank of India repo rate starting 1st May? So, ye kaam kisne kiya tha, sabko maloom hai. Ye kaam SBI ne kiya tha, option number 4. Next question. Which person has been named as the first non-British president of Marylebone Cricket Club? मैंने अभी कुछ दिन पहले current affairs class में revision कराया था आपको MCC में. जब Michelle Johnson को lifetime membership मिली थी तो मैंने ये revision कराया था आपको. इसका answer क्या हो? कुमार शंकरा. Option number 5 is right answer. Next question.
The central government has asked the state road transport department to make which color number plate mandatory for all type of electric vehicle. ये भी हमने पढ़ा हुआ है और इसका आंसर क्या होगा? Green option number one. Next question. The BSC has finally appointed its first independent woman director. She is बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहे हैं और इनका नाम है जयश्री व्यास. ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. अकिहितो इज द फर्स्ट एम्परर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टू स्टेप डाउन फ्रॉम द थ्रोन इन मोर देन 200 इयर्स. जापान. ऑप्शन नंबर फोर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द वर्ल्ड टूना डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डेट. वर्ल्ड टूना डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टूना डे. And the right answer is 2nd May. Next question. Who among the following won the Professional Footballers Association Women's Player of the Year for the 2018-19 season? Professional Footballer Association Women की बात पूछी जा रही है आपसे और इनका नाम क्या है? Viviane Miedema. Option number 2 is right answer. Next question. Two states celebrated their foundation days on 1st May. One of them was Gujarat and the other was Maharashtra. Option number 3 is right answer. Next question. India will return to the Venice Biennial after 8 years. Venice Biennial is one of the biggest which type of event in the world? Question number 100. And the right answer is art event. Option number 5. Next question. NASA robotic lander InSight recently recorded a likely quake for the first time ever on Moon, Jupiter, Mercury, Mars or Venus. And the answer is Mars, option number 4. Next question. The International Labour Day is observed every year on which date? The theme of the Labour Day this year is Uniting Worker for Social and Economic Advancement. And the right answer is 1st May, option number 3. Next question. Which person of the year by the Footballer Writers Association? ये क्वेश्चन पूरा नहीं प्रिंट कंप्यूटर जी ने कॉपी किया. इसका आंसर रहीम स्टर्लिंग. पूरा क्वेश्चन ये कॉपी नहीं है, आपको पीडीएफ में पूरा क्वेश्चन दे दिया जाएगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. द न्यू एम्परर नारुहितो असेंडेड थ्रोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री. तो ये भी आपको बताया, जापान इसका आंसर होगा. 5. हिंदी में भी टाइम थोड़ा कम मिल पा रहा है बेटा, इतने क्वेश्चंस उसका ट्रांसलेशन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेम ऑफ एरिक इश्मिट इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी फर्म. ही लेफ्ट द बोर्ड ऑफ द फर्म रिसेंटली. एंड राइट आंसर इज अल्फाबेट, ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन. द गुड्स एंड सर्विस टैक्स कलेक्शन इन अप्रैल 19 टच एन ऑल टाइम हाई ऑफ ओवर. अप्रैल में कितना? 1.13 लाख करोड़ रुपीज. नेक्स्ट क्वेश्चन. अपूर्वी चंदेला अटेंडेड द वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन. ये किस खेल से बिलोंग करती हैं? तो आपको इसका आंसर बताया, शूटिंग, ऑप्शन नंबर 1. ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चंस थे. चलिए गाइस, आपसे मिलते हैं अब मंडे को. करंट अफेयर्स में हम वीकली रिवीजन की बात करेंगे और कौन सी क्लास होगी मैं आपको थोड़ी देर में इन्फॉर्म कर दूंगा. थैंक यू सो मच गाइस, अपना ख्याल.